बिजनेस स्टडी के अंदर हमारा इंश्योरेंस नाम का चैप्टर खत्म कर देंगे। आज लास्ट लेक्चर है इंश्योरेंस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 13 का। इसके बाद हम आरबीएससी की बुक में से चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। तो 13 चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। और इस टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस एजेंट। अगर आपने चैप्टर नंबर 13 के बाकी सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो सारे लेक्चर के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ ही आपको एक प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में शुरू से लगाकर, फर्स्ट चैप्टर से लगाकर अभी तक आज वाला भी लेक्चर वहां चला जाएगा, सारे लेक्चर सारे वीडियो आपको वहां मिल जाएंगे। तो अगर आपका कोई वीडियो मिस हो गया है या लेक्चर मिस हो गया है तो आप जाके देख सकते हैं, लाइन सर आपको सारे मिल जाएंगे। ओके, चलिए आज के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और इंश्योरेंस नाम के चैप्टर को खत्म करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और वो है इंश्योरेंस एजेंट, बीमा एजेंट। देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, एजेंट कौन होता है? फिर हम जानेंगे एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है। फिर हम जानेंगे कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है, क्या आप एजेंट बन सकते हो। फिर जीवन बीमा एजेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता चाहिए, और फिर एजेंट के क्या कार्य होते हैं। तो ये पांच क्वेश्चन जैसे हम कर लेंगे हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं एजेंट कौन होता है। तो देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई, एक बताया था याद है आपको, ये मिस्टर कौन, मिस्टर एक्स या राम, ठीक है, और ये है एलआईसी यानी कि बीमा कंपनी, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसको क्या बोलते हैं, बीमा करता, और इसको क्या बोलते हैं, बीमित। याद है, बताया था ना जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, जब इंश्योरेंस के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो एलआईसी जो है वो मिस्टर एक्स का इंश्योरेंस करती है, ऐसा बोलो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मिस्टर एक्स अपना इंश्योरेंस एलआईसी से करवाता है। लेकिन इंश्योरेंस कराने में कई सारी फॉर्मेलिटीज, कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारे डाउट्स क्लियर करने पड़ते हैं, खूब सारी पॉलिसीज होती है, तो उन सब की जानकारी भी इसको चाहिए होती है। और ये बीमा कंपनी घर घर जाके थोड़ी पूछेगी कि इंश्योरेंस करा रहे हो क्या, इंश्योरेंस करा रहे हो क्या, नहीं नहीं इसके एम्प्लॉय पूछेंगे, वो तो ऑफिशियल वर्क करेंगे ना। फील्ड वर्क कौन करेगा, फील्ड वर्क करेगा इन दोनों के बीच की एक कड़ी होती है और उसे बोलते हैं एलआईसी यानी कि इंश्योरेंस एजेंट या एलआईसी एजेंट। ये होता है, ये एक व्यक्ति होता है जो इन दोनों के बीच में क्या करता है, काम करता है, ठीक है, और इसको ही क्या बोला जाता है, बीमा एजेंट। ये इन दोनों के बीच में संपर्क की कड़ी के रूप में काम करता है। किसके बीच में, बीमा करता और बीमित के बीच में। बीमित को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, कोई जानकारी चाहिए थी है, तो किसको बोलता है, बीमा एजेंट, ठीक है। और बीमा एजेंट उसका सारा काम किससे करवाता है, बीमा कंपनी से करवाता है, और उसको सारे डॉक्यूमेंट दे देता है ना। जैसे किस्त जमा करानी है तो बीमित किस्त इसके थ्रू जमा करा सकता है, और अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाए और पैसे लेने हो तो इसके थ्रू वो पैसे ले सकता है। ये एक अधिकृत व्यक्ति होता है। ऐसा कहां लिखा गया है कि ये अधिकृत व्यक्ति है, ऐसा लिखा गया है, अभी एक चीज में बता रहा हूं आपको, आपने पढ़ा था भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध, यहां लिख देता हूं, भारतीय अनुबंध अधिनियम, याद है ना, 1872 की एक धारा है यानी कि सेक्शन है उसका 182, उसमें इसकी बीमा एजेंट की परिभाषा दी गई है कि ऐसा व्यक्ति जो बीमा करता और बीमित के बीच में संपर्क की कड़ी के रूप में काम करता है और दोनों ही की समस्याओं का समाधान करता है, वह बीमा एजेंट होता है।
इस बीमा एजेंट की नियुक्ति जो है बीमा कर्ता द्वारा की जाती है, यानी कि बीमा कर्ता यानी कि जो बीमा करने वाला होता है, जो कंपनी होती है वो इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। और फिर यह बीमा कर्ता की ओर से अधिकृत व्यक्ति होता है जो कि लोगों का जाके इंश्योरेंस करता है, लोगों का बीमा करता है। तो एक अधिकृत व्यक्ति होता है जिसका मालिक कौन होता है, ये कंपनी होती है, जिसका प्रधान ये होता है। इस बीमा एजेंट को बीमा अभिकर्ता भी बोलते हैं, बीमा एजेंट को क्या बोलते हैं, बीमा अभिकर्ता भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया ना बीमा अभिकर्ता, तो भी आप लिख सकते हो, आपने अगर ये लिख दिया ना भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182 का एक नंबर तो वही मिल जाएगा अगर इसकी परिभाषा आती है तो उसके आगे क्या लिखेंगे कि बीमा अभिकर्ता या बीमा एजेंट बीमा कर्ता द्वारा नियुक्त अधिकृत एक व्यक्ति होता है जो बीमित का बीमा करता है या जो भी व्यक्ति बीमा करवाना चाहते हैं उनको जानकारी देकर उनका बीमा इनकी ओर से करता है, कंपनी की ओर से करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एजेंट कौन होता है, एजेंट ही व्यक्ति होता है ना, इंश्योरेंस एजेंट हो या और भी कई तरीके के एजेंट होते हैं, उनकी डेफिनेशन यही है। मैंने यहां पर बीमा एजेंट का एग्जाम्पल लिया। सेकेंड क्वेश्चन है, एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, तो इसका आंसर मैं यहां दे रहा हूं। देखो एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, मिला आपको एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, तो एजेंट नियुक्त कर सकता है कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, एजेंट को नियुक्त कर सकता है जिसकी उम्र, यानी कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो कि क्या हो, व्यस्क हो। व्यस्क कौन होता है, अपन ने पढ़ा था, जिसकी उम्र 18 से ज्यादा हो, तो वह व्यक्ति जो है वो एजेंट नियुक्त कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति का मतलब यहां पर वो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला नहीं हो, स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, यानी कि वो पागल नहीं होना चाहिए। तो स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति या व्यस्त व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, ठीक है, और कानून द्वारा अयोग्य नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन पॉइंट है इसके, देखो स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति एजेंट की नियुक्ति कर सकता है, बीमा एजेंट नहीं, बीमा एजेंट की नियुक्ति तो बीमा एजेंट बीमा कंपनी करेगी, एक एजेंट की बात करें, है ना, जो एजेंट का जो है नियुक्ति वो एक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति कर सकता है, व्यस्त व्यक्ति होना चाहिए और कानून द्वारा अयोग्य घोषित दिवालिया जैसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग भी एजेंट को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो बीमा एजेंट नहीं होगा, ओनली एजेंट, ठीक है, ओके। फिर है कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है, तो इसका आंसर देखिए, यहां बीमा एजेंट की बात नहीं चल रही, ओनली एजेंट, है ना, कई सारे लोग होते हैं ना अपने एजेंट को नियुक्त करते हैं, वो उनकी ओर से जाके काम करता है, ठीक है। तो कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है, तो देखिए एजेंट व्यक्ति जो है वो भारतीय नागरिक हो या नहीं उससे कोई नहीं है, हाँ एजेंट व्यक्ति जो है अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी बन सकता है। मतलब देखिए एजेंट जो है वो एक पागल व्यक्ति भी एजेंट बन सकता है, एक 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति भी एजेंट बन सकता है, एक कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति भी एजेंट बन सकता है। सर ये क्या कह रहे हो आप, अभी तो बोला ये नहीं कर सकते। अच्छा ये तीन जो थे ना, ये वाले तीन ये देखिए, स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, व्यस्त व्यक्ति, कानून द्वारा अयोग्य नहीं होना चाहिए, इसके ये व्यक्ति जो है ये एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन एजेंट कौन बन सकता है, तो स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति एजेंट बन सकता है, ओके बन सकता है, फिर व्यस्त व्यक्ति भी एजेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं हो वो एजेंट बन सकता, हाँ बन सकता है, लेकिन अस्वस्थ मस्तिष्क वाला भी एजेंट बन सकता है, एजेंट बन सकता है, एजेंट वो नियुक्त नहीं कर सकता, लेकिन अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति मतलब पागल व्यक्ति वो एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद एजेंट बन सकता है। एक जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद एजेंट बन सकता है ना, जैसे कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, जेल भी है इसको, वो एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता, मतलब वो अपनी ओर से किसी को एजेंट नहीं बना सकता, लेकिन वो खुद एजेंट बन सकता है। ये है इन दोनों के अंदर फर्क, है ना। ये क्वेश्चन था कौन एजेंट नियुक्त कर सकता है, तो केवल स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति,
व्यस्त व्यक्ति और कानून द्वारा अयोग्य नहीं हो वही व्यक्ति एजेंट अपनी ओर से नियुक्त कर सकता है। लेकिन एजेंट कौन बन सकता है? स्वस्थ व्यक्ति भी बन सकता है, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी बन सकता है, 18 साल से ऊपर वाला व्यक्ति भी बन सकता है, 18 साल से कम वाला व्यक्ति बन सकता है, कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति बन सकता है और कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं व्यक्ति भी बन सकता है। समझ में आ गया? लेकिन अब आप सोचो अगर किसी पागल व्यक्ति को एजेंट बना दिया तो क्या होगा? वो कुछ ना कुछ गलत काम करेगा, है ना? एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे को एजेंट बना दिया तो उसमें इतनी समझ नहीं है, वो भी कुछ गलत काम करके आएगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी होगी प्रधान की। प्रधान कौन? जिसके जिसने उसको एजेंट बनाया उसकी जिम्मेदारी होगी कि तूने पागल व्यक्ति ने कुछ नुकसान कर दिया, अब इसकी भरपाई वो पागल व्यक्ति नहीं करेगा, उसको नियुक्त करने वाला उसका प्रधान उसका मालिक उसकी भरपाई करेगा। इसीलिए नॉर्मली अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को, अवयस्क व्यक्ति को और कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति को एजेंट बनाया नहीं जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है जीवन बीमा एजेंट बनने की क्या योग्यता है, है ना? ये तो नॉर्मल एजेंट था, अब है कि भाई LIC एजेंट बनना है, जीवन बीमा एजेंट बनना है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी जरूरी है। तो इसकी योग्यता नंबर एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीवन बीमा एजेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे आप क्या जीवन बीमा एजेंट बन सकते हो? देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये सब जो चीज क्वालिफिकेशन पूरी करते हो तो आप बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो आप। देखिए तो जीवन बीमा एजेंट बनने के लिए सबसे पहला भारतीय नागरिक कैसा होना चाहिए? भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा, व्यस्त व्यक्ति हो। कैसा हो? व्यस्त व्यक्ति हो, व्यस्त मतलब 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। थर्ड नंबर, LIC एजेंट की बात चल रही है ना, अगर आप LIC एजेंट नहीं नॉर्मली एजेंट देखें तो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला और 18 साल से कम वाला बच्चा भी एजेंट बन सकता है, लेकिन LIC एजेंट केवल 18 साल से ऊपर वाला व्यक्ति बन सकता है। ओके, भारतीय नागरिक होना चाहिए, अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आप LIC एजेंट बन सकते हो, वो बिल्कुल हुआ। व्यस्त व्यक्ति हो, अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो आप LIC एजेंट बन सकते हो, अगर नहीं है तो आप LIC एजेंट नहीं बन सकते। स्वस्थ मस्तिष्क, अगर आप स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति हो, बिल्कुल रोहित सर ये क्या मजाक कर रहे हो, तभी तो वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल आप वो स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति हो तो भी तो आप LIC एजेंट बन सकते हो। ये चार कंडीशन पूरी होनी चाहिए और कानून द्वारा अयोग्य नहीं होने चाहिए, कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से अभी आप 3 कंडीशन तो पूरी कर रहे हो, ऐसे 4 कंडीशन पूरी करोगे ना तभी आप LIC एजेंट बन सकते हो। पहली कंडीशन क्या आप पूरी कर रहे हो? आप भारतीय नागरिक हो। दूसरी वाली आप पूरी नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि आपकी उम्र मुझे लगता है 18 से कम है, और स्वस्थ मस्तिष्क, बिल्कुल आपका मस्तिष्क एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त और तेज है, और चौथा कानून द्वारा बिल्कुल आप कोई अपराध नहीं किया है आपने, एकदम योग्य हो आप दिवालिया हो ही नहीं, तो आप केवल यहां रहेंगे। तो 18 साल तक वेट कीजिए, जैसे 18 साल हो जाएंगे आप चारों कंडीशन पूरी कर लोगे, और 4 कंडीशन जिसने ये पूरी कर ली वो LIC एजेंट बन सकता है। ओके सर, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, LIC एजेंट में LIC एजेंट की कमाई कैसे होती है? क्या बीमा कंपनी उसको सैलरी देती है? नहीं, LIC एजेंट की कमाई होती है कमीशन बेस। कैसे होती है? कमीशन बेस। अगर देखिए यहां पर जैसे कि मिस्टर एक्स है, ये इंश्योरेंस कराता है इस एजेंट के थ्रू कंपनी से, तो ये हर बार क्या पे करेगा? क्या पे करेगा? किस, जिसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। ये प्रीमियम किसको पे करेगा? LIC कंपनी को। तो जितनी इसकी प्रीमियम होगी ना उसका कुछ परसेंटेज, उसका कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा इसको भी मिलेगा। समझ में आ गया? तो कमीशन के बेस पर LIC एजेंट की कमाई होती है। जैसे एक एम्प्लॉय में और एजेंट में क्या फर्क है? एक एम्प्लॉय मतलब एक नौकर में और एक एजेंट में क्या फर्क है? नौकर को सैलरी दी जाती है, महीने का एक फिक्स वेतन होता है कि हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे तो 10,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन एजेंट की कोई फिक्स कमाई नहीं होती, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती,
वो जितनी LIC करवाएगा उसका जितना प्रीमियम आएगा उस प्रीमियम का कुछ परसेंटेज उसको मिलेगा। अगर किसी ने एक ही LIC कराई 10,000 रुपए की और मान लेते हैं 5% कमीशन मिल रहा उसको, तो 10,000 का 5% कितना हो गया 500 रुपए उसको मिल जाएंगे, समझ में आया। लेकिन अगर किसी ने बहुत सारी पॉलिसी कराई, किसी ने 1 करोड़ रुपए किसी का प्रीमियम पे कर रहा और पॉलिसी करा दी, किसी की किस्मत चमक गई तो उसका देखो कमाई कितनी होगी, करोड़ों लाखों में हो जाएगी, लाखों में तो हो ही जाएगी, समझ गए ना आप। इसका कहने का मतलब ये है एजेंट जो है वो कमीशन बेस या फीस बेस पैसा प्राप्त करता है, लेकिन एक नौकर जो होता है उसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है। तो ये भी एक पॉइंट था आपकी बुक के अंदर, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 पॉइंट याद कर लेना। और फिर आता है आपका एक और ये है बीमा एजेंट के कार्य। एक बीमा एजेंट को क्या क्या कार्य करने होते हैं। एक LIC एजेंट बन गए, मान लेते आपने ये चारों कंडीशन पूरी कर ली, आप LIC एजेंट बन गए। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको प्रस्तावकों से संपर्क करना पड़ेगा। प्रस्तावकों कौन होते हैं, वे व्यक्ति जो इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, किसी भी प्रकार की पॉलिसी क्यों नहीं, आप सारी पॉलिसी के आपको जानकारी होगी और आप जाके लोगों की पॉलिसी करेंगे अगर आप LIC एजेंट हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे लोगों से संपर्क करना पड़ेगा जो LIC कराना चाहते हैं। ओके, फिर कोई भी ऐसे LIC करा देता है क्या, नहीं, वे विचार करते हैं, फिर उसकी खोजबीन करते हैं, फिर उनको सारी पॉलिसी समझ में आनी चाहिए, फिर जाके वो पॉलिसी कराएंगे। तो पहले तो ऐसे लोगों से संपर्क करो जो LIC कराना चाहते हैं, ये LIC एजेंट का काम है। दूसरा, प्रस्तावकों को प्रोत्साहित करना। फिर आपने संपर्क कर लिया, ऐसे लोगों को ढूंढ लिया जो LIC करना चाहते हैं, अब उनको आप मोटिवेट करो, उनको प्रोत्साहित करो कि वो LIC करवाए, उनको फायदे भी ना हो LIC के। ओके, फिर है प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करना। फिर डॉक्यूमेंटल वर्क करना पड़ेगा, सारा फॉर्म भरना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा, साइन लेने पड़ेंगे, जो भी जांचें करनी पड़ेगी, सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ वगैरह सब LIC एजेंट तैयार करेगा और इस प्रस्तावक के वहां साइन करा के जाके कॉपी जमा कराएगा, किस्त भी जमा करवा के देगा और रसीद ला के उस प्रस्तावक को देगा। ये सब LIC एजेंट का काम होता है, क्योंकि इसके बदले उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। फिर है आवश्यक प्रपत्र तैयार करना। कोई भी, मैंने बोला ना, सारे डॉक्यूमेंट कौन तैयार करेगा, LIC एजेंट तैयार करेगा। बीमित तो सिर्फ पैसा देगा और हाँ भरेगा और साइन करने के लिए तैयार होगा कि उसने कौन सी पॉलिसी ली है और वो प्रीमियम हर बार इस महीने मंथली या क्वार्टरली या ईयरली हाफ ईयरली जो भी है वो तय करेगा, वो भरेगा। बाकी सारा डॉक्यूमेंट वर्क ये करेगा, सारी जो समस्याएं होगी इस प्रस्तावक को, जो बीमा करवा रहा है उसको जितनी भी समस्याएं होगी, जो जानकारी चाहिए वो LIC एजेंट जाकर देगा। ओके, फिर है लास्ट, बीमित की समस्याओं का समाधान करना। अगर बीमित को कोई शंका हो रही है, शंका मतलब वाली शंका नहीं, शंका का मतलब हो गया यहाँ पर कि उसको कोई परेशानी हो रही है, कोई चीज उसको समझ में नहीं आ रही, तो LIC एजेंट का कर्तव्य है कि वो उसको समझाए। मान लेते हैं उसकी कोई रसीद खो गई या एक जो डॉक्यूमेंट मिलता है एग्रीमेंट, जिसपे एग्रीमेंट होता है इसके और इसके बीच में, LIC का मेन बॉन्ड बोलते हैं उसको, अगर वो खो जाए, अगर वो नष्ट हो जाए, तो दूसरा बॉन्ड भी कौन बनवा के देगा, ये एजेंट बनवा के देगा। मतलब किसी भी तरह की समस्या है, अगर कभी प्रीमियम जमा करानी हो उसको समय नहीं हो तो ये करा के देगा, अगर कभी जो LIC जो है टाइम वो मैच्योर हो जाए ना, परिपक्व बोलते हैं उसको, है ना, तो अगर वो टाइम आ जाए 10 साल 15 साल इसने प्रीमियम भर दिया, किस्तें भर दी और पैसे लेने की बारी है, तो भी एजेंट को वो बोल सकता है, एजेंट उसकी समस्या का समाधान करेगा और उसको बताएगा कि अब क्या करना है। अगर किसी को, बीमित व्यक्ति को अपनी LIC बीच में तुड़वानी है तो कैसे तुड़वाएंगे वो भी ये बताएगा। अगर किसी बीमित व्यक्ति को अपनी LIC के ऊपर आजकल लोन का सिस्टम आया, लोन लेना है, तो भी वो इससे संपर्क, मतलब बीमित व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान एजेंट के पास होता है। इसीलिए कभी भी कोई भी काम करे ना, एजेंट के थ्रू करे, जिम्मेदार एजेंट के थ्रू करे, जिससे आपको कभी कोई समस्याएं नहीं आएगी। तो ये थे बीमा एजेंट के कुछ कार्य, और इसी के साथ हमारा
चैप्टर नंबर 30 खत्म हो गया और मैं बहुत खुश हूं। उसकी वजह क्या है बताया आपको? उसकी वजह है ये बहुत बड़ा चैप्टर था, ये चैप्टर बहुत बड़ा था, लेकिन लगभग हमने इसमें मेन मेन पॉइंट देना सारे कर लिए। 95% हमने सारे पॉइंट इसके अंदर टच किए हैं और सारे पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, छोटा सा चैप्टर है बहुत, जिसका नाम है सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर GST खत्म हो जाएगा, और यानी कि दो चैप्टर और बचे हैं, एक तो CSR और एक GST, और ये दोनों चैप्टर जैसे खत्म हो जाएंगे हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी 12th क्लास की, और इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास। तो दोस्तों इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।